हेलो लवली पीपल, वेलकम बैक विद माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज की ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ करने वाली हूँ कुछ क्लिप शेयर, जो कि होने वाली मेरे पापा के बर्थडे की पूजा के क्लिप्स। तो मैं उसमें आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोग पूजा पाठ यहाँ पर किस तरह से की जाती है बर्थडे वाले दिन। सो एंड तक मेरे वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा, ताकि आप लोग भी हमारे साइड का कल्चर जान सके कि हिमाचल साइड, बैजनाथ साइड किस तरह का कल्चर होता है, पूजा करने का क्या तरीका होता है बर्थडे वाले दिन। और आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों से किसी को इंट्रोड्यूस भी करवाऊंगी, जो कि मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है और मैं उसका कर रही हूँ सुबह से वेट। बट हुआ ये कि बारिश आने की वजह से, मौसम ख़राब होने की वजह से वो सुबह नहीं निकल पाए। उन्होंने वेट किया कि थोड़ा मौसम ख़राब था तो मौसम थोड़ा साफ़ हो जाए, तो उसके बाद वो लोग निकलते हैं। सो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बर्थडे का हमारी साइड क्या हिसाब रहता है। तो सबसे पहले पूजा होती है और यहाँ पर होती है शाम को गाने। तो गाने का क्या हिसाब रहता है, किस तरह से इनवाइट किया जाता है, वो बताऊँगी मैं आपको। तो इनवाइट करने का जो प्रोसेस होता है वो होता है, भटूरू बनाते हैं और गुलगुले बनाए जाते हैं या शक्करपारे बना लो, वो ये सारी चीज़ें बनाने के बाद सबके घर में इनवाइट करने जाते हैं, जिसमें दो दो भटूरू सबको देते हैं और जो गुलगुले या शक्करपारे बनाए होते हैं वो हम जब इनवाइट करने जाते हैं तो उनको दो दो भटूरू, चार चार गुलगुले या शक्करपारे, जो भी हम लोगों ने बनाया होता है उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ हम देते हैं उन लोगों को और इनवाइट करते हैं शाम के गानों के लिए। तो यहाँ पर होते हैं गाने, तो सब लेडीज़ आती हैं शाम के टाइम, लाइक 3, 3:30, 4 बजे की टाइमिंग रहती है यहाँ पर हिमाचल साइड गाँव में। तो उस टाइम वो लोग आते हैं और वो लोग आते हैं तो वो लोग अपने साथ या तो चीनी लेके आते हैं या फिर दूध लेके आते हैं, बिस्किट्स लेके आते हैं कई लोग। तो इस तरह का प्रोसेस रहता है आने का। फिर वो लोग गाने गाते हैं, ढोलकी के साथ गाना बजाना होता है और उसके बीच में जैसे फिर जिनके यहाँ बर्थडे होता है तो वो लोग स्नैक्स वगैरह सर्व करते हैं, चाय, कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीज़ें सेलिब्रेट, मतलब इस तरह से सेलिब्रेशन किया जाता है। और फिर जब वो लोग लेडीज़ जाएंगी तो हमने पिछली रात को ही चने भिगो के, काले चने जो होते हैं वो भिगो के रख दिए होते हैं, तो वो लोग जब वापस जाते हैं तो हम उनको एक एक कटोरी काले चने के देते हैं। सो ये तो था कि कैसे किस तरह से किया जाता है सेलिब्रेट, कि मतलब क्या प्रोसेस होता है पूरे दिन का। और पूजा का जो था वो मैंने वीडियो सो फाइनली वो लोग निकल चुके हैं जिनसे मैं आप लोगों को मिलवाने का बोल रही थी, और मैं उनका कर रही हूँ वेट ताकि वो जल्दी जल्दी आए, मैं जल्दी जल्दी मिल चुकी हूँ उनसे। क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड और खुश इसलिए भी हूँ क्योंकि मैं शादी के बाद उनसे इतने टाइम के बाद फर्स्ट टाइम मिलूँगी। सो चलो वेट करते हैं तब तक नहीं आते, और मैंने उनके लिए जो सारी तैयारियाँ थी वो पहले से ही कर ली थी ताकि फिर मुझको किचन में लगने की ज़रूरत ना लगे और मेरी मम्मी को भी किचन में लगने की ज़रूरत ना लगे और हम लोग उनके साथ बैठ के बहुत सारी बातें कर सके। और वो लोग हमारे साथ करने वाले हैं थोड़े दिन स्टे, लाइक 1-2 डेज़ वीकेंड मनाने आए हैं वो। और यहाँ से जो आपको रास्ता दिख रहा है पीछे, ये रास्ता सीधा जाता है सड़क पर। सो यहाँ से वो लोग आएंगे, जैसे ही वो लोग आते हैं मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ उनसे।
सो यहाँ पर तो मैं थक चुकी हूँ उन लोगों का वेट करते करते। अभी भी उन लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक वो नहीं आते तब तक हम नेचर का नज़ारे लेते हैं। इस टाइम बहुत ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है, तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि कितना प्यारा व्यू लग रहा है इस टाइम पे। पहले तो कर रही थी मैं ही वेट, फिर काफ़ी टाइम हो गया तो मेरी मम्मी भी यहाँ पर आ गई कि अभी तक आए नहीं वो लोग। सो अभी मम्मी और मैं दोनों वेट कर रहे हैं। ये मेरी मम्मी है। वेट ख़त्म हुआ, मेरी बहन फाइनली पहुँच गई है मेरे पास। हेलो एवरीवन। हेलो, कैसी है बहन? बहुत बहुत बढ़िया, तुझे काफी दिन से मिस कर रही थी। हैं तो बहन, इतना टाइम क्यों वेट क्यों करवाया मेरे को? डोंट आस्क, नाइट शिफ्ट वाली हूं। हां ये भी है, छोटी मुन्नी आई है। ये जीजू साहब भी आ गए मेरे बुलेट लेके। मोड़ मोड़ के छोटे रास्ते में बुलेट के साथ मेरे जीजू साहब पधार गए हैं। ये गलत बात है, इतना वेट करवाया आपने। नहीं, बहुत गलत बात है जीजू। ये मेरी दादी भी सुबह से वेट कर करके भारती 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 फाइनली भारती पहुंची है। फाइनली दादी से मिल चुकी है मेरी बहन। और कैसे हो? बस वधिया वधिया, आप बताओ। वीडियो यार वीडियो। हाँ और क्या। सो गाइज, हमारी यहाँ पर बहन जा रही है वापस। ये हो गई है फुल एंड फाइनल रेडी। बाय बाय गाइज। यहाँ पर हम निकल चुके हैं इनकी बुलेट के पास, क्योंकि बुलेट हम पहले ही सड़क पर खड़ी करके आ गए थे ताकि जल्दी जल्दी देरी ना हो, जल्दी जल्दी निकल सके, क्योंकि जीजू की होती है नाइट शिफ्ट। सो मेरा एक सजेशन रहेगा आप सभी लोगों को कि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो अपने साथ पानी की बॉटल ज़रूर कैरी करें। जहाँ पर भी आप लोग जाएं, इवन आप लोग घर पे भी हो, तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं ताकि आपकी बॉडी की जो नीड है वो पूरी हो सके, फुलफिल हो सके। तो ये सोच मेरी इसलिए आई क्योंकि मैं हिमाचल जैसे जगह पर रह रही हूँ इस टाइम पर, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी है तो कहीं और तो कितना ही टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। तो एक सजेशन रहेगा, जहाँ पर भी जाएं जैसे भी जाएं, पानी की बॉटल ज़रूर रखें। कुछ रखें ना रखें, फ़ोन बेशक भूल जाएं, बट पानी की बॉटल मत भूलना बिल्कुल भी, तो साथ में लेके ज़रूर चले। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड शोइंग दिस मच ऑफ लव।